डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट वन के पेपर टू के टॉपिक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पर चर्चा करेंगे। फ्रायड का नाम मनोविज्ञान में अद्वितीय है। इन्होंने मनोविज्ञान में अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिसमें स्वयं हुए थ्योरी ऑफ ड्रीम को सर्वोपरि देन माना है तथा साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1914 ईस्वी में किया, को दूसरा महत्वपूर्ण देन माना है। फ्रायड ने अपने उपचारात्मक अध्ययनों के आधार पर सभी प्रकार के सामान्य और असमान व्यवहार की व्याख्या कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर किया है। उन्होंने यह बतलाया कि कार्य का आधार कारण होता है, बिना कारण का कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ कार्य है, वहाँ वहाँ कारण उपस्थित है। जहाँ कारण प्रत्यक्ष नजर नहीं आता है, वहाँ भी अप्रत्यक्ष एवं अज्ञात रूप से उसका कारण उपस्थित रहता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि मनुष्य का कोई भी व्यवहार बिना कारण का नहीं होता है। जो कार्य बेतुका, निरर्थक और महत्वहीन मालूम पड़ता है, उसका भी एक कारण और महत्व व्यक्ति के जीवन में रहता है। इसलिए इनका कहना है कि नो पीस ऑफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर इज विदाउट ए कॉज, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इस प्रकार से फ्रायड ने कार्य कारण के आधार पर मानवीय व्यवहारों की व्याख्या और विश्लेषण के लिए मनोविज्ञान में प्रेरणा को जन्म दिया और यह बतलाया कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार प्रेरित होता है। ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड। उन्होंने अपने विचार की व्याख्या के क्रम में यह बतलाया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी क्रियाओं और गलतियों को करता है, जिनमें से कुछ क्रियाएं और गलतियां को वह व्याख्या तर्क और वितर्क, चिंतन, बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर करते हुए इसे सार्थक और महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी व्याख्या वह कार्य और कारण के आधार पर कर सकने में असमर्थ रहता है। ऐसी हालत में वह शांत बैठता नहीं है, बल्कि इस तरह की गलती की व्याख्या संजोग या दैनिक जीवन के प्रकोप के आधार पर करते हुए उसे निरर्थक एवं महत्वहीन मानता है। लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाओं का संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से रहता है। इस तरह के कार्यों एवं गलतियों के द्वारा वे अचेतन तनाव से मुक्ति पाते हैं तथा किसी न किसी प्रकार के अपने अचेतन इच्छा की पूर्ति करते हैं। इसलिए ब्राउन ने फ्रायड के विचार को उपस्थित करते हुए बतलाया है कि दैनिक जीवन की भूलें स्वप्न तथा मनोरचना की तरह हमारे अचेतन, दमित, आक्रामक तथा कामुक इच्छाओं की पूर्ति कम से कम सामान्य कार्यों में बाधा उपस्थित करते हुए करता है। फ्रायड ने यह बतलाया कि दैनिक जीवन में प्रायः यह देखा जाता है कि विगत जीवन में हमारे लिए जो प्रिय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति, वस्तु या जगह होते हैं, उनका नाम हम किसी खास समय में बहुत प्रयास करने के बाद भी स्मरण नहीं कर पाते हैं और अपने स्मरण को कमजोर समझकर कोसना शुरू कर देते हैं। यह घटनाएँ हमारी अचेतन इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इस संबंध में फ्रायड ने एक उदाहरण उपस्थित किया है। एक विवाहित महिला अपने पड़ोस में रहने वाली दूसरी विवाहित महिला को उसके मिस नेम से पुकारती थी तथा बाद में अपनी गलती को सुधारते हुए उसे मिसेज नेम से पुकारती थी। मनोविश्लेषण के आधार पर यह पाया गया कि इस गलती के द्वारा वह अपनी अचेतन इच्छा की पूर्ति करती थी। वह मिसेज स्मिथ को मिस जॉन कहकर इसलिए पुकारती थी क्योंकि वह उसके हस्बैंड से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्मिथ ने मिस जॉन से शादी कर लिया था। इस प्रकार से नाम की गलती के द्वारा वह अपनी अचेतन इच्छा की पूर्ति करती थी। फ्रायड ने अनेकों प्रकार के प्रिय व्यक्तियों के नामों के भूलने के पीछे किसी न किसी अचेतन इच्छा की भूमिका का हाथ बतलाया है, जिसकी चर्चा उन्होंने साइकिक मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस नामक लेख में प्रस्तुत किया है। दैनिक जीवन में बोलने की भूलें स्लिप ऑफ टंग भी हुआ करती हैं। हम बोलना
कुछ चाहते हैं और कुछ दूसरा ही बोल देते हैं, और अपनी गलती का सुधार करते हुए यह कहते हैं कि चमड़े की जीभ है लटपटा गई, परंतु वास्तव में यह वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। फ्रायड का कहना है कि इसके पीछे अचेतन प्रेरणा कार्य करता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने अचेतन इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसके संदर्भ में ब्राउन ने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ब्राउन के मित्र को अपने विद्वता पर घमंड था। एक बार एक लेख प्रतियोगिता में दूसरे व्यक्ति के लेख को अधिक विद्वतापूर्ण माना गया, तब ब्राउन के मित्र को उस पर अपना विचार प्रकट करने के लिए कहा गया। ब्राउन के मित्र कहना चाहते थे कि इस ब्रिलियंट एसे पर अपना साधारण विचार क्या दे, लेकिन उन्होंने इसके ठीक विपरीत कहा कि हम इस साधारण लेख पर अपना ब्रिलियंट विचार क्या दें। इस प्रकार के भूल के द्वारा अपने अचेतन इच्छा की पूर्ति की। मनोविश्लेषण के द्वारा प्राप्त उदाहरण जैसे स्थान के नाम को भूलना, व्यक्ति के नाम को भूलना, स्थान को पहचानने में भूलना, फ्रायड के इस विचार का समर्थन करता है। फ्रायड ने दैनिक जीवन की भूलों के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए बतलाया कि अचानक हाथ से कलम या प्याला या कोई महत्वपूर्ण चीज गिरकर टूट जाती है तो इस प्रकार की गलती का भी उद्देश्यात्मक होती है। यह निरर्थक और बेकारण नहीं होती है, बल्कि इस तरह की क्रिया के पीछे व्यक्ति का अचेतन घृणा और आक्रोश काम करते रहता है। यह वस्तु या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में दुखद घटनाओं से संबंधित रहती हैं, इसीलिए हम वस्तु का विनाश कर अपने अचेतन तनाव से मुक्ति पाते हैं। डॉक्टर कार्ल ने अपनी पुस्तक मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में यह बतलाया कि इस प्रकार के अचेतन तनाव से मुक्ति न प्राप्त होने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के असामाजिक कार्यों को संपादित करता है। इस प्रकार से फ्रायड ने बतलाया कि दैनिक जीवन में होने वाली भूलें संयोग के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित नहीं होती हैं, बल्कि ये उद्देश्यात्मक होती हैं और मानव जीवन में इनका अपना एक विशेष स्थान होता है। अन्य मनोविश्लेषकों ने भी फ्रायड के इस विचार का समर्थन अपने प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर किया है।